हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। आप यहाँ देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में तो आपके लिए रीट मेंस का सिलेबस है, ठीक है। और यहाँ पर आपके राइट में जो सिलेबस है ये कौन सा सिलेबस है, ये सीईटी का सिलेबस है। तो ये दो सिलेबस मैं आपके लिए क्यों लेकर आया हूँ, जैसा कि आप देख के पहचान पा रहे होंगे कि यहाँ पर जब आप इनके टॉपिक्स पढ़ेंगे, चाहे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कोई भी सेक्शन ले लीजिए, सभी सेक्शंस एक दूसरे के साथ कॉमन हैं, ओवरलैप्ड हैं, है ना। तो और यहीं से क्वेश्चंस निकल कर आएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम पर प्रतिदिन 10 से 30 क्वेश्चंस का अभ्यास कर रहे हैं, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके। और ये सीधे सीधे आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपके 15 से 20 मिनट खर्च होंगे, पर आप और लोगों से आगे निकल जाएंगे। आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है और इनका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो बिना देरी करें हम स्टार्ट करते हैं, आ जाइए। देखिए, हमने क्वेश्चंस देखे थे और आप चाहे इन क्वेश्चनों को मिला लीजिए, इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनके एक्सप्लेनेशंस हम लगा देते हैं जो ज़रूरी लगते हैं, ठीक है, बाकी आपको बता दिया जाता है क्लास में ही। तो ये हमने इतने सारे क्वेश्चंस तो कर लिए हैं, आज 30 क्वेश्चंस से चालू करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 से जो आपके लिए होमवर्क दिया था हमने, ये आ गया आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया था, तो अब इसको करते हैं सॉल्व। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फेयर इज रॉन्गली मैच्ड, तो ये पूछ रहा है निम्न में से कौन सा मेला गलत सुमेलित है। एक बार इंग्लिश में पढ़ लीजिए, एक बार हिंदी में पढ़ लीजिए, जिससे क्या होगा आपकी हिंदी इंग्लिश भी इम्प्रूव होती जाएगी, ठीक है। केला देवी का मेला करौली, यही है क्या। शीतला माता का मेला चाकसू, चारभुजा का मेला उदयपुर, और कपिल मुना का मेला कोटा। तो आपको बताना है इसमें से गलत कौन सा मेला हुआ है ना। तो देखिए, आप इसका आंसर वीडियो को पोस्ट करके दे सकते हैं, और इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। इसका आंसर है कपिल मुनि का मेला। एक्चुअली क्या है, कोटा में नहीं लगता, कोलायत भील, कोलायत झील कहाँ पर है, बीकानेर में, ठीक है। इसके किनारे पर कपिल मुनि का मेला लगता है। अब यहाँ देखिए, केला देवी का मेला करौली में ही लगता है, शीतला माता का मेला जयपुर चाकसू में लगता है, चारभुजा का मेला ये कहाँ लगता है, उदयपुर में लगता है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर बट कांट बी डिसमिस्ड, निम्नलिखित में से किसे राज्यपाल नियुक्त तो करता है परंतु बर्खास्त नहीं कर सकता। तो राज्यपाल को नियुक्त करने की तो शक्ति है, परंतु क्या शक्ति नहीं है, बर्खास्त करने की नहीं है। किसको, इनमें से चार ऑप्शन है, पहला मंत्री, दूसरा राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, तीसरा मुख्यमंत्री, चौथा महाधिवक्ता। तो देखिए, ये जो मंत्री है और मुख्यमंत्री है, इनका आर्टिकल है आर्टिकल 164, इसके थ्रू इनको अपॉइंट करते हैं। राज्य लोक सेवा का जो अध्यक्ष चुने जाते हैं या मेंबर्स चुने जाते हैं, या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर्स और अध्यक्ष चुने जाते हैं, उनके लिए आर्टिकल कौन सा है, 315 है, ठीक है। और महाधिवक्ता का एडवोकेट जनरल बोलेंगे इन इंग्लिश में, और इनका आर्टिकल 165। तो देखो, आर्टिकल आपको बता दिए, तो आप जल्दी से आप क्या करिए, इसका आंसर 15 से 30 सेकेंड में कमेंट सेक्शन में लिखिए इसका आंसर, ठीक है। तो देखिए, राज्यपाल को नियुक्त तो करता है परंतु बर्खास्त करने की शक्ति किसको नहीं है, ऑप्शन नंबर बी, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को अपॉइंट कर सकता है पर हटा नहीं सकता, गवर्नर के पास इनको हटाने की शक्ति नहीं है, बाकी सबको अपॉइंट करके हटा सकता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 32, अ वीक स्टूडेंट हु इज पुअर इन अकेडमिक्स मे कंपनसेट इन गेम्स, वॉट टाइप ऑफ कंपनसेशन इज दैट, ठीक है। एक कमज़ोर बालक जो कि पढ़ाई में कमज़ोर है, कि क्षतिपूर्ति खेलों में कर सकता है, ये किस प्रकार की क्षतिपूर्ति कहलाती है, ठीक है। चार ऑप्शन है, डायरेक्ट कंपनसेशन, ओवर कंपनसेशन, सब्स्टिट्यूट कंपनसेशन, और न्यूरोटिक कंपनसेशन। हिंदी में बोले तो प्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति, अतिरिक्त क्षतिपूर्ति, प्रतिस्थापन क्षतिपूर्ति, या न्यूरोटिक क्षतिपूर्ति। तो आपको क्या करना है, 15 से 30 सेकंड में इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दे सकते हैं, मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। तो देखिए, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रतिस्थापित क्षतिपूर्ति, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। 33, विच सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान इज नोन एज ताम्र संचयी, ठीक है। ताम्र संचयी का मतलब है ताम्र युगीन सभ्यता की जननी, एक तरीके से संचय कर रहा है ना, जिसने उसको जन्म दिया हो, संचित किया हो, पाला हो, पोषित किया हो, बड़ा किया हो, है ना। राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संचय के नाम से भी जाना जाता है, तो कौन सी सभ्यता है, गणेश्वर, आहड़, बागोर, या गिलूड। तो जल्दी से आपको क्या करना है, 15 से 30 सेकंड में इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके इसका आंसर आप दे सकते हैं, मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ।
ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट दे ही दीजिए आंसर, मैं आपको आंसर बताता हूँ। चलो ठीक है, देखिए बागोर, चलो मैं इनकी लोकेशन बताता हूँ, तब तक आप इसका आंसर दीजिए। ठीक है, गुलूड कहाँ पड़ेगी? राजसमंद। ठीक है, राजसमंद में पड़ेगी। बागोर कहाँ पड़ेगी? भीलवाड़ा। ठीक है, आहड़ कहाँ पड़ेगी? आहड़ उदयपुर। गणेश्वर कहाँ पड़ेगी? गणेश्वर बताइए, सीकर। तो कौन सी है ताम्र संचयी नाम से जाना जाता है? तो गणेश्वर सिविलाइजेशन, गणेश्वर सभ्यता को ही ताम्र युगीन सभ्यता की जननी कहा था। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न नंबर 34। अमोंगेस्ट द फॉलोइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच सिस्टम हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? निम्न में से किस व्यवस्था की विशेषताओं को भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है ना? आपके सामने चार ऑप्शन है, संघीय व्यवस्था की विशेषताएं, एकात्मक व्यवस्था की विशेषताएं, दोनों संघीय और एकात्मक व्यवस्था की विशेषताएं, दोनों ही लिए हमने, संघीय भी लिए और एकात्मक भी है, या परिसंघीय व्यवस्था की विशेषताएं। इंग्लिश में बोले तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरल सिस्टम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिटरी सिस्टम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ फेडरल एंड यूनिटरी सिस्टम, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्फेडरेशन सिस्टम। तो आपको क्या बताना है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। 40 से 50 सेकंड ले सकते हैं आप आराम से इसका आंसर देने में, थोड़ा सोच के भी देना पड़ता है, कई बार आपको नहीं पता हो तो। तो देखो, जो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स को अपनाया है? उसने अपनाया है ऑप्शन नंबर सी, दोनों। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमें संघीय भी देखने को मिलता है और एकात्मक भी देखने को मिलता है। संघीय का मतलब है जो हमारे स्टेट्स हैं वो सेंटर हैं, दोनों आपस में मिलजुल के काम करते हैं, स्टेट्स को भी बहुत सारी चीज़ों में पावर है, सेंटर को भी अपनी अलग पावर है। एकात्मक में क्या होता है, सेंटर इन दोनों के ऊपर भी रहता है। ठीक है, सेंटर अगर देखा जाए तो स्टेट्स के ऊपर भी है, तो एकात्मक व्यवस्था भी एक तरीके से, और संघीय भी, दोनों मिलजुल के आपस में काम कर रहे हैं। जैसे आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि किसने ऐसे कहा था कि फेडरल एंड यूनिटरी सिस्टम का मिक्सचर देखने को मिलता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो कहा था DD बासु ने। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए नाम इनका, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। प्रश्न नंबर 35। सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर सिट्रस, सिट्रस होता है खट्टे फल, स्पीसीज मसाले एंड मेडिसिनल प्लांट्स इज एस्टेब्लिश इन, यहाँ पे लिखा हुआ है संतरा, जो साइट्रस फ्रूट्स होते हैं वो मसाले और औषधीय पौधों के लिए उत्कृष्टता केंद्र अवस्थित है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, कोटा, भीलवाड़ा, अजमेर और झालावाड़। तो आपको इसका आंसर देना है 15 से 30 सेकंड में, कमेंट सेक्शन में इसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो देखिए मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दे सकते हैं, और देना भी चाहिए आपको, जिससे आपको कॉन्फिडेंस फील आए। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 35 का, कहाँ पर? झालावाड़ में, क्योंकि संतरा कहाँ मिलेंगे? संतरा मिलता है झालावाड़ में। ठीक है, अगर नींबू की बात करते हैं तो कोटा में। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न नंबर 36। When was the Constitution of India adopted by the Constituent Assembly? भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो कब अपनाया गया था, आपके सामने चार ऑप्शन है, पहला 15 अगस्त 1947, दूसरा 15 अगस्त 1948 को, 26 जनवरी 1949 को, और 26 नवंबर 1949 को। तो देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये हमारे प्रेमबल में से पूछा गया है। ठीक है, भारत का जो प्रेमबल है ना, अगर आपने वो अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर वहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, 15 से 30 सेकंड में इसका आंसर, वैसे तो 4 सेकंड में ही आने वाला आंसर है, क्योंकि अगर आपने प्रेम्बल हमारा जो क्या बोलते हैं उद्देशिका, हिंदी में बोलेंगे उद्देशिका, अगर आपने पढ़ रखी होगी तो इसका आंसर आप दे जाएंगे। तो 15 से 30 सेकंड में आप इसका आंसर दे सकते हैं, और वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर जोड़ दें, मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 26 नवंबर 1949 को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूंट, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको अडॉप्ट, एनेक्ट एंड टू गिव आवर सेल्फ किया था, मतलब खुद को आत्मप्रीत, अंगीकृत और आत्मसमर्पित, ऐसे इस तरीके से हिंदी में लिखा हुआ है ना। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न नंबर 37। मावट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर विच क्रॉप, मावट कौन सी फसल के लिए लाभदायक नहीं है? तो कौन सी फसल के लिए लाभदायक नहीं है, आपके सामने चार ऑप्शन है, गेहूँ, जौ, मक्का या सरसों। ठीक है, तो देखो आपको बस ये पहचानना है कि पेयर ऑफ, जैसे मान लीजिए गेहूं के साथ में आपने देखा होगा जौ हम खाते हैं,
तो एक साथ आती होंगी, है ना। और उसी समय पर गर्मियों के समय सरसों आती है, मक्का अलग आती है, तो बस मक्का ही नहीं है, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। क्योंकि सर्दियों में मावट कब होती है, दिसंबर माह के माह में जो बरसात होती है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है, जो मेडिटेरियन सी है वहाँ से पानी उठता है और फिर हमारे इंडिया में आके गिरता है ना। तो ये किसके कारण होता है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। ये पूरा एक कंसेप्ट है, इसको आगे समझाएंगे, आ जाइए। अभी आप आंसर देख लीजिए, इसका आंसर क्या होगा, मक्का। प्रश्न नंबर 38, विच टेम्पल इज कोल्ड खुजराहो ऑफ हड़ौती, किस मंदिर को हड़ौती का खुजराहो कहा जाता है, तो किस मंदिर को कहा जाता है। आपके सामने देखिए चार ऑप्शन है, शिव मंदिर बाड़ोली, शिव मंदिर भंडदेवरा, शिव मंदिर मेनाल, शिव मंदिर कंसुआ, ठीक है। तो इसका आंसर आपको क्या करना है, 40 से 50 सेकंड के आसपास आराम से सोच के दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को आपको क्या करना है, कमेंट तो करना ही है ना। आप जो देख रहे हैं वीडियो को ज़रूर कमेंट करने की ट्राई करा करें, जिससे आपकी हैबिट इम्प्रूव हो, आपको चीज़ें लर्न हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप रिमेंबर रख पाए चीज़ों का। तो देखिए इसका आंसर आप, मैं आपको बताता हूँ, प्रश्न नंबर 38 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिव मंदिर भंडदेवरा, कहाँ पर, बारा में। ये जो मंदिर है इसी को ही क्या कहा जाता है, राजस्थान का खुजराहो कहा जाता है। वैसे राजस्थान का खुजराहो कौन सा है, जो बाड़मेर में पड़ता है, किराड़ू, ठीक है, किराड़ू के मंदिर बाड़मेर के, वो खुजराहो कहलाते हैं। आ जाइए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 39, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ स्किनर्स और फैंट कंडीशनिंग इन द फील्ड ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस। आपके सामने देखिए चार ऑप्शन दे रखे हैं, उससे पहले हिंदी में पढ़ लेते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की क्षेत्र में स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुकूलन की सबसे महत्वपूर्ण देन है, तो कौन सी देन है, प्रोजेक्ट मेथड हो गया, प्रोग्राम मेथड हो गया। प्रोजेक्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रायोजन विधि, प्रोग्राम को क्या बोलेंगे, अभिक्रमित अधिगम, ह्यूरिस्टिक विधि, ये सेम ही नाम है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, समस्या समाधान विधि। तो प्रश्न नंबर 39 का आंसर क्या है, 39 का आंसर है, मैं आपको बता देता हूँ, अभिक्रमित अधिगम। प्रश्न नंबर 40 पर आ जाइए, देखिए प्रश्न नंबर 40, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैव बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। तो हमने जो ये DPSP हैं, हिंदी बोलेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, किस देश के संविधान से लिए हैं। आपके सामने चार ऑप्शन है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिए हैं क्या, सोवियत यूनियन, सोवियत संघ से लिए हैं क्या हमने, इंग्लैंड, क्या हमने इंग्लैंड से लिए हैं, इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं क्या हमने, या आयरलैंड, या आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इस पर तो हज़ार बार क्वेश्चन एग्जामों में पूछे गए अलग अलग तरीक़ों से, तो ये तो आपको हमेशा पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 40 का आंसर आपके लिए, ये क्वेश्चन आपके लिए, चलो होमवर्क, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। इसका आंसर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, और अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड थैंक यू, बाय।